नमस्कार। थेपला बनाएंगे आज, गुजराती थेपले। ठीक है, ये एक वो मेथी है, हरी मेथी ताज़ा धोकर साफ करके सुखा के रखी है। सुखा के मतलब इसका पानी सुखा के, ठीक है। इसे हम बारीक काट लेंगे। मैं इस तरह काटती हूँ दराती से, ठीक है। आपको जिस तरह से सुविधा लगे वैसे काट लेंगे बारीक। पत्ते भी खोट के ले सकते हो, मैंने काटा है, ठीक है। ये मक्की के बनेंगे थेपले, ये सफ़ेद मक्की है, ठीक है। 2 बड़े चम्मच जितना लिया है हमने मक्की, और आधा चम्मच गेहूं का आटा। इसकी जगह गेहूं की जगह बेसन भी डाल सकते हो, ठीक है। गेहूं की आटा डालने से क्या होता है, ये बेलने में आसानी हो जाती है, ठीक है, नहीं तो फट जाते हैं मक्की के। इसमें हम मिर्च मसाला डाल देंगे अपने टेस्ट अनुसार। हरी मिर्च और लहसुन कूट के डाल देंगे, या पीस के भी डाल सकते हो, ठीक है। लहसुन डालना चाहते हो तो लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। इसमें ज़रा सी हींग और हरा धनिया भी डाल देंगे, ठीक है। मेथी ज़्यादा लेंगे क्योंकि थेपले मेथी के ही बनते हैं। और इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा, जीरा ज़रा सी, 2 चुटकी जितना अजवाइन भी डाल देंगे, ठीक है। मैंने ये सब डाला है। और खाना सोडा नहीं डालूंगी मैं, मोइन डालूंगी, ठीक है। सिंग तेल, सोयाबीन या कोई फर्चून तेल जो भी है डाल सकते हो आप, घी भी डाल सकते हो, ठीक है। अच्छे से मिला लेंगे सभी सामग्रियों को, ठीक है। बराबर मिला के नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नहीं, अच्छे से गूथ लेंगे सारा आटा। और रेस्ट करने के लिए रख देंगे 5-10 मिनट, ठीक है। अगर नहीं रखो तो अच्छे से गूथ लो उसे, जिससे कि सभी अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकना डो बन जाए। ये देखो अच्छे से गूथ लिया है, इसके लोई बना लेंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आटा बुरक के गेहूं का इसे हम बेल लेते हैं, देखो आसानी से बेल जाते हैं, है ना। और मोइन डालने से क्या, खस्ते भी बनते हैं, ठीक है। इस तरह पूड़िया भी बना सकते हो, सफ़र के लिए सुखा भी सकते हो, थोड़ा धूप में सुखा के फिर तल लेते हैं, है ना। सफ़र के लिए 2 दिन चल जाती हैं बढ़िया, ये भी अच्छे से चल जाती हैं दिन भर। इस तरह से बना लेंगे हम सारे थेपले, ठीक है। थेपले मक्की के ही बनते हैं, आटे के। हमारे इधर गेहूं के ये जो पराठे बनाते हैं, मेथी डाल के, बथुआ, पालक इत्यादि डाल के, है ना। थेपला इधर ही बनते हैं गुजराती साइड में। इस तरह से तेल लगा लगा के ने दोनों तरफ से सेक लेंगे धीमा धीमा आँच पे, ठीक है, नहीं तो जल जाते हैं। सारे हमने सेक लिए हैं इस तरह से, देखो, है ना। बहुत ही टेस्टी लगते हैं चटनी के साथ, लाल मिर्च की चटनी, ठीक है, और लौजी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ठीक है। रोगे खाओ तो भी अच्छे लगते हैं, कोरे कोरे। तैयार है ये थेपले, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कमेंट लाइक करना, ठीक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्टी है बहुत ही थेपला।